जरा चार्ट देखिए, राय दीजिए एच ए एल। जी देखिए, लगातार आउट परफॉर्मर रहा है और मुझे नहीं लगता पिछले 1 साल में 1.5 साल में कभी भी स्टॉक ने कोई मीनिंगफुल करेक्शन दी है। एक अपसाइड के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिलती है और उसके बाद स्टॉक वापस से हायर हाइज बनाता हुआ नजर आता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पिछले कुछ हफ्तों से जब बाजार ने नए हाइज बनाए हैं, जब नए हायर हाइज बाजार में बनते हुए नजर आए और सेक्टर्स में पार्टिसिपेशन आया, उस दौरान इसमें कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे समझ से अगर स्टॉक ऑल इन ऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, 3650 3680 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बहुत शॉर्ट टर्म के नजरिए से। इस लेवल के आसपास कभी भी आता है तो खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड में 3820 3850 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है। इसके ऊपर अगर स्टॉक जिस दिन भी निकल गया अनिल जी, 4000 के ऊपर के लेवल से एचएल में आते हुए नजर आ सकते ओहो, 3840-50 के ऊपर निकलने पर 4000 तक है। ये लेवल्स आप कैश के बता रहे हैं या फ्यूचर्स के? कैश के अनिल जी। ओके, तो थोड़ा और यहाँ पर जोर लगाना पड़ेगा। 3840-50 अभी 3780 के आसपास है ये स्टॉक आपके लिए। यहाँ पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है।